ये वाला जो क्वेश्चन है देख के पता चला अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल है, तो ये 9 फैक्टोरियल ये वाला कौन सा है, 4 फैक्टोरियल है, प्लस 5 × 9 फैक्टोरियल अपॉन दैट इज 5 फैक्टोरियल है, ये 10 PR है, तो इससे कहते ही 4 फैक्टोरियल में चेंज हो जाएंगे, तो 9 फैक्टोरियल। हाँ बेटा करेक्ट आंसर है तुम्हारा, ये 9 फैक्टोरियल, ये जो 5 होती है ना 5 × 4 फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ पे 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 PR हो जाएंगे। तो 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 PR हो गए। अभी जब इधर वाला खोलेंगे ये तो 2 बार है ना, तो 2 × 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, जब इधर वाला खोलेंगे 10 − r फैक्टोरियल है, नेचुरली इसको 10 में चेंज करना पड़ेगा, इसको 10 में चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, ये जो 9 फैक्टोरियल है ये तो 2 से काट जाएंगे, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो वही होती है, ये 2 था, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया, तो 10 फैक्टोरियल 10 − r फैक्टोरियल। अभी जो 9 फैक्टोरियल है इसको 10 से इंटू करने से ऊपर नीचे आ जाएगा, ओके ये वाला जो है तो अभी देखो ये जो है ना 10 फैक्टोरियल करने के लिए 9 फैक्टोरियल × 10 कर दे, नीचे भी 4 × 3 × 10 कर दे, तो 10 फैक्टोरियल 10 − r फैक्टोरियल। अभी जब ये जो है ना ये वाला 10 फैक्टोरियल हो जाएगा तो आराम से कट जाएगी, 4 × 3 = 10, तो 10 − r फैक्टोरियल। जब ये काट जाएगा देखो कि एक फैक्टोरियल में जरूर चेंज हो जाएगा, ये कैसे लिखेंगे, 2 3 × 5 × 2 इक्वल्स टू फैक्टोरियल, इसको अभी तो 3 है 2 है, तो 1/2 × 3 × 2 to 4 × 5 कर दोगे 10 − r फैक्टोरियल, तो ये वाला जो होगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1/5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/10 − r फैक्टोरियल। अभी 5 इक्वल्स टू 10 − r, तो r = 5, r = 2 नहीं बेटा, r = 5 हो जाएगा, क्लियर इज इट, क्लियर टू एवरीबॉडी, ओके कोई बात नहीं, हो जाता है।